अगर यू नो जो अच्छी बात इंग्लैंड इंडिया की लग रही है, एक तो देर जस्ट प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट अपनी कंडीशंस में, बट इट्स जस्ट द पेसर्स एंड स्पिनर को भी मैं राइट ऑफ नहीं करूँगी, दे आर जस्ट टू गुड राइट नाउ. और अगर सिराज ऑफ कलर थे तो शामी ने स्टेप अप कर लिया. ये बॉन्ड और यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है इंडिया की. देखिए सबसे अच्छी बात जो हम बार बार बेंच की कहते हैं ना, कि सिराज को तो एज अ रेगुलर बॉलर खिला रहे थे, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है नसीम शाह और वो खेलते हैं शाहीन, एक निकल जाए तो दूसरा जो है वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दे. तो जो शामी थे उन्होंने पहले 5 आउट किए, तो कल भी उनका गेंद ऐसा ज़बरदस्त स्विंग हो रहा था, मगर शुरू से जब मैं मैच देख रहा था मैंने नोट किया था कि गेंद हिल रहा है. देखिए हम क्रिकेट में कहते हैं कि कोई बॉलर 200 की स्पीड से गेंद कर ले, जब तक गेंद स्विंग नहीं होगा आप आउट नहीं कर सकते. आपकी स्पीड 80 हो मगर आप स्विंग कर रहे हो तो वो विकेट मिलती हैं आपको. तो कल गेंद हिल रहा था और इतना आसान नहीं था खेलना वहाँ पर, तो इंडियंस ने बहुत ज़बरदस्त किया. मगर जो इंग्लैंड की टीम की एक थ्योरी समझ में नहीं आई कि हम अपना स्टाइल नहीं छोड़ेंगे. नासिर हुसैन का मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी इंग्लैंड की जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसका तो अल्लाह हाफिज़ हो गया, खुदा हाफिज़ हो गया, इट्स फिनिश. उन्होंने ये लिखा आर्टिकल में, हेडिंग ही यही थी. अब मैंने बाकियों के नहीं पढ़े कि कल जो डिफीट हुए उसके बाद उन लोगों ने क्या कहते. वो तो कप्तान ही खुद बहुत कुछ बोल गए थे, बटलर, ही सेड इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड दिस इज़ नॉट हाउ यू विन मैचेस. काफ़ी उनके बॉडी लैंग्वेज भी शोल्डर्स डाउन, जस्ट नॉट द इंग्लिश कैप्टन वी यूज्ड टू सी. बेन स्टोक जो है इतना बड़ा है, मैं उसकी पूरी बैटिंग देखी, वो अजीब वो गरीब खेल रहा था, जैसे कि बस वो हर गेंद को पीछे हट के मैं मार दूंगा. यार आप सीधा खेलो. वो बार बार कमेंटेटर कह रहे थे क्या ये अपने अटैक करते रहेंगे या थोड़ा सा स्टडी भी खेलेंगे. भाई स्टडी खेल के वो जो पीरियड होता है जिसमें गेंद स्विंग हो रहा होता है, आप सिंगल लेते हैं, स्टडी खेलते हैं, एक वो पीरियड को निकालते हैं, ये क्रिकेट में होता है, उस पीरियड को निकालें ताकि नए बॉलर आएँ, फिर आप उनके ऊपर से जो खेलना चाहें. रन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, 230 तो कुछ भी नहीं था, मगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की. हर वक्त वो मारे जाने, मारने वाला स्टाइल नहीं था. और कल तो खैर उनके एक प्लेयर को तो चाइनामैन का ही नहीं पता चला, रूट था शायद, नहीं रूट तो लेग बिफोर हो गया था, दूसरा था जो बोल्ड हुआ था यादव से, अच्छा बड़ा प्लेयर था, उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, अगर तुम्हारे पास वो तो वो आई जस्ट ओपनिंग द स्कोर आई ट्राइंग टू रिमेंबर क्योंकि इतनी सारी विकेट्स मैंने देखी. तो यादव का जो चाइनामैन था वो इस तरह जब गिरा तो पड़ के वो अंदर आता है, वो उसको पीछे हट के कट खेलने चले गए. मैं तो हैरान रह गया, तो ये तो जैसे वही हुआ जैसे गुगली को आप कट मारने चले जाएं. हर एक को पता है कि जो क्रिकेट खेलता है कि चाइनामैन जो है पढ़ के अंदर आता है गेंद, आप उसको कट पीछे हट के कट मारने गए तो वो आप बोल्ड हो गए. तो बहुत ही आई थिंक यू टॉक अबाउट लिविंगस्टन, वही आउट हुए थे और या बटलर थे, बटलर को भी यादव ने आउट किया जी. हाँ बटलर का बोल्ड हुआ था. तो ये मुझे उनकी जो क्रिकेट का जो है ना बहुत ही मुझे डिसअपॉइंट किया इंग्लैंड वालों ने कि यार बहुत ही अजीबोगरीब क्रिकेट. सही है. बाकी अपने गेस्ट को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं. मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ सैयद याह हुसैनी एंड अब्दुल माजिद भट्टी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. ऑफकोर्स वो टीम की अपडेट्स भी देंगे और हम थोड़े से आगे जाके थोड़े से जस्ट लिटिल हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे, बट जस्ट यस्टरडेज मैच की बात ज़रूर करनी चाहिए. एंड रजाक, जिस तरह इंडियन पेसर्स ने इम्प्रेस किया है इस टूर्नामेंट में, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करें एंड यू नो ऑफकोर्स स्पिनर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए. What do you think is working for them? Behind the scenes, जो उन पर इतना सारा काम हो रहा है वो reflect कर रहा है, of course अपनी conditions भी हैं. देखिए एक विनिंग मैं समझता हूँ वेव्स होती हैं टीम में और कॉन्फिडेंस होता है. देखिए पांड्या उनके नहीं भी खेल रहे फिर भी इनको कोई कमी महसूस नहीं हुई. हमारे तो कोई अगर मिस हो जाए या अनफिट हो जाए तो हम उसी को गुणगान करते रहते हैं कि जी वो नहीं है इसलिए हो रहा है सारा कुछ. और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है. और बात ये कल जो क्रिकेट हुई है उसमें पूरे वर्ल्ड कप जितने पहले मैचेस हुए हैं इनमें से सबसे अच्छी बात ये थी कि कल बॉलर्स ने विकेटें ली और बॉलर ने जिस लाइन लेंथ पर बॉलिंग की है ये अनप्लेबल थी. बड़ी गुड लेंथ पे बॉल स्विंग नहीं उन्होंने मिला, सीम भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था. और हालांकि इंग्लिश जो क्रिकेट की टीम है ये जो इन कंडीशन के यूज टू हैं वहाँ पे तो होता ही सीम में या स्विंग होता है तो ये तो बड़े यूजफुल है. इनको इन्होंने लीव नहीं किया. पहले 10 ओवर जो थे इन्होंने बहुत ही गंदे खेले. हमें याद है आज से 25 साल पहले पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा होता था कि हमें नया बॉल सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता था. तो हम चाहते थे कि पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देनी हमने. तो इतना लो टोटल जब इंडिया ने किया तो इनको चाहिए था वो प्लान के साथ जाते. हो सकता है कि नेट रनर के चक्करों में थे कि हम इनको जल्दी चेज कर लें तो हमारा नेट रनर अच्छा हो जाए. अगर ये पहले 10 ओवर सर्वाइव करते
तो मैं समझता हूँ बड़े आराम से ही मैच जीते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडियन बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ एंड कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ऑफ कोर्स दे आर द हॉट कंटेंडर्स टू विन द वर्ल्ड कप। और इसी बात करें तो यही आपको याद होगा शुरू के दिनों में तो हम लोग भी बात कर रहे थे कि हमें इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, उनके अंदर पोटेंशियल है टू विन द वर्ल्ड कप, बट नथिंग इज क्लिकिंग फॉर देम। व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विद देम? फातिमा बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 से पहले जो टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली सभी उनके शदाई थे और सभी उनकी बात कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट में, उन्होंने जिन चीजों को जो है वो मुतारिफ कराया। बट आई थिंक इंग्लैंड से वर्ल्ड कप का सफर जब जहाज में इंग्लैंड ने शुरू किया तो तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब सब बात कर रहे हैं कि जी एन मॉर्गन को कप्तानी से क्यों हटा दिया, अब सब बात कर रहे हैं कि जी बेन स्टोक को टेस्ट क्रिकेट में वो कप्तान है, व्हाइट बॉल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, उनको लाने का फैसला गलत था। आई थिंक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया ये बात बिल्कुल ठीक है, इंग्लैंड की टीम क्लिक नहीं कर सकी इस टूर्नामेंट में ये बात ठीक है, लेकिन इयान मॉर्गन जिनकी क्यादत में इंग्लैंड ने 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप लॉर्ड्स के मैदान पर न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देकर जीता था, इस टीम में उनकी जगह नहीं बनती थी। उन्होंने भी अपने लबों को जुम्बी दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कप्तानी से हटा के गलत किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि रिश्तेदारियां निभाई गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि दोस्तियां यारियां की गई, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम में कुछ गलत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है फातिमा, इस नाकामी के बावजूद इंग्लैंड की वर्ल्ड कप 2023 में इस खराब कारकर्दगी के बावजूद कोई ना इंग्लैंड के निजाम के ऊपर बात कर रहा है, ना कोई इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के ऊपर बात कर रहा है, वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम ने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया 100 बॉल क्रिकेट में, और शायद इस वर्ल्ड कप के लिए वो अपनी तैयारी भूल गए और ज्यादा उनका जो कॉन्सेंट्रेट